Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है और अब 5वें, 6ठे और 7वें चरण के लिए प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। लेकिन इन बीच सबसे ज्यादा अगर कोई हॉट सीट की चर्चा हो रही है तो वो हो रही है मऊ सदर का विधानसभा सीट। और चर्चा का विषय इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि वहां पर मुख्तार अंसारी जो 5 बार से यानी कि लगभग 25 साल से विधायक रहे हैं और अभी भी इनकमबेंट हैं, लेकिन वो बांदा जेल में बंद हैं और इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी चुनावी ताल ठोक रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार भी मुख्तार अंसारी तो नहीं लेकिन उनके बेटे जीत दर्ज करेंगे और लगातार 6ठी बार का रिकॉर्ड स्थापित करेंगे, जिसको लेकर पूरा का पूरा चर्चा हो रहा है। और इसको लेकर कई लोगों के जहन में ये भी सवाल आ रहा है कि क्या सच में अब्बास अंसारी अपने पिता के विरासत को बचा पाएंगे या फिर ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली जाएगी। तो वहीं सुगबुगाहट ये भी हो रही है कि क्या बहुजन समाज पार्टी भी वहां पर बाजी मार सकती है, क्योंकि भीम राजभर जो कि अध्यक्ष है आई थिंक, उनको जो है बीएसपी ने मऊ विधानसभा से टिकट दिया है। अब मैं बात करूंगा कि आखिरकार क्या अब्बास अंसारी सीट को बचा पाएंगे या फिर उनको बचाने के लिए कौन कौन से रोड़ों का सामना करना पड़ेगा, क्या समीकरण है, इन सारी चीजों पर मैं आपसे पूरे के पूरे तरीके से बात करने वाला हूं। दरअसल बात करूं तो आपको पता होगा कि 1996 से पहले ये जो है विधानसभा जो था वो कहीं ना कहीं गढ़ माना जाता था, और इसके बाद गढ़ जब माना जाता था तो लोग जो है वो दूसरे नेताओं को नहीं चुनते थे। जो नेता पहले से ही जो चुनाव लड़ते थे उनको जो है चुनाव जिताते थे, और लोग जो है ये सब मान लिए थे कि इस सीट पर जो है वो कब्जा ही रहेगा और दूसरे लोगों का कब्जा जो है इस पर नहीं रहेगा। लेकिन जब 1996 में मुख्तार अंसारी जब कदम रखे, इसके बाद किसी की औकात तक नहीं हुई कि मुख्तार अंसारी को दबा दे। और मुख्तार अंसारी लगातार 96 में, 2002 में, 2007 में, 2012 में और फिर 2017 से लगातार विधायक बनते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चुनाव उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ हो या फिर निर्दलीय हो या फिर उनकी खुद की पार्टी कौमी एकता दल है, 3 दलों से 5 बार चुनाव लड़े हैं और 5 बार जीत दर्ज कर लिए हैं। और इस बार कयास लगाया जा रहा है कि अब्बास अंसारी जो उनके बेटे हैं वो भी जीत दर्ज करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने अशोक सिंह को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीएसपी ने भीम राजभर को उतार दिया है। अब जातीय समीकरण समझने की बात करते हैं कि क्या वजह है जिसके चलते मुख्तार अंसारी जीत जाते हैं। दरअसल बात करें तो मऊ सदर विधानसभा सीट पर लगभग 4,70,000 मतदाता है। उन 4,70,000 मतदाताओं में जो है 1,70,000 मुस्लिम वोटर हैं। सोचिए 1,70,000 मुस्लिम वोटर हैं, 91,000 अनुसूचित जाति है, 45,000 यादव हैं, 45,000 राजभर हैं और 45,000 से ज्यादा जो हैं वो चौहान वोटर्स हैं। तो अब जातीय समीकरण समझ के आपको अंदाजा लग रहा होगा कि मुख्तार अंसारी का आखिर दबदबा क्यों रहता है। दरअसल बात करें तो मुस्लिम वोटर एक साइडेड हो जाते हैं, हालांकि पिछले बार जब समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी तो मुस्लिम वोटर जो थे वो बटे हुए थे, क्योंकि अल्ताफ अंसारी चुनावी मैदान में थे तो अल्ताफ अंसारी के पक्ष में भी मुस्लिम वोट जो है वो गया था। लेकिन महज कुछ ही 7-8 हज़ार वोटों से जो है मुख्तार अंसारी जीते थे। लेकिन इस बार का समीकरण कुछ और है, मुस्लिम कैंडिडेट कोई और नहीं है लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ अब्बास अंसारी हैं, तो मुस्लिम मतदाता एक तरफ जाएंगे। वहीं बात करें तो समाजवादी पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी और सुभाषपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं तो मुस्लिम वोटर तो भाई जाना ही है, ऊपर से जो यादव वोट्स हैं वो भी अब्बास अंसारी को मैक्सिमम जाएंगे। इसके अलावा जो भीम राजभर जो हैं वो राजभर जाति के नाम पर वोट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का उस इलाके में जो है वो दबदबा है और वो अलायंस जो है अखिलेश यादव के साथ है। तो जो राजभर वोट हैं उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है और जो बीएसपी के कैंडिडेट भीम राजभर हैं उनको पूरा का पूरा वोट नहीं मिलेगा। तो अगर मुस्लिम मिला दिया जाए, यादव मिला दिया जाए और वहां पर राजभर वोटों को मिला दिया जाए, इसके अलावा अनुसूचित जातियां भी हैं, इसके अलावा
चौहान वोटर्स भी हैं तो इनमें का 10-15% भी अगर वोट मिलता है तो मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी जीत दर्ज कर सकते हैं। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पूर्वांचल में कहा जा रहा है खास करके कि अखिलेश यादव की लहर है, तो इस लहर में जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं अब्बास अंसारी के पक्ष में दिखता नजर आ रहा है। खैर अब देखना दिलचस्प होगा कि जब चुनावी नतीजे आते हैं तो क्या अब्बास अंसारी अपने पिता के विरासत को बचा पाते हैं। लेकिन जो समीकरण है उसको देख कर तो उन्हीं के पक्ष में ये चुनाव लग रहा है। खैर चुनाव है, चुनाव में कब क्या हो जाए ये नहीं पता, लेकिन 10 तारीख को देखना दिलचस्प होगा कि वो अपनी पिता की सीट को विरासत को बचा पाते हैं या फिर 25 सालों से राज करने वाले मुख्तार अंसारी का किला मऊ में ढह जाता है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.